गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज इस पेंडेमिक, इस कोविड सिचुएशंस के रिगार्डिंग मेरे सारे फ्रेंड्स की तरफ से, सो प्लीज हैव अ लुक। हम सब इस कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन के बारे में जानते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। राइट नाउ इट्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए बहुत डेवास्टेटिंग, कुछ के लिए बहुत टफ, एंड फॉर सम इट इज अ फाइट टू सी द एंड ऑफ द डे एंड रिपीट द वेरी नेक्स्ट। We all know कि हम सब लोग साथ मिलकर खुद को इस पैंडेमिक की सिचुएशन से बचा सकते हैं। It's time to show humanity and play our role by staying at home. Small message for everyone, जो हम सब मिलकर इस मोमेंट पर कर सकते हैं। Please, misguided messages से बचिए। कोई भी मैसेज भेजने से पहले चेक जरूर करें। घर पे रह के बेसिक प्रिकॉशंस जरूर लें। हो सके तो होम रेमेडीज का यूज करें, जैसे कि काढ़ा। पैनिक बिल्कुल ना करें। सिम्टम आते नियरेस्ट कोविड सेंटर में अपना टेस्ट करवाएं। इन केस कोई कोविड से रिकवर हुआ है तो आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज डोनेट प्लाज्मा। प्लीज वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। घर पे रह के एक्सरसाइज करें एंड प्रॉपर डाइट लें। मास्क अप एंड हैंड वॉश जरूर करें। बी इनफॉर्मड, बी प्रिपेयर्ड, बी स्मार्ट, स्टे सेफ एंड नॉट द लीस्ट स्टे होम। कोरोना का केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो मैं अपने दोस्तों से बोल चाहता हूँ कि डर में रहवा और सेफ रहवा। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई, तपाईहरुलाई थाहा छ अहिलेको यो कोरोना कालमा बाहिर हाम्रो देशमा विदेशमा कस्तो हाल भइरहेछ, त्यसले गर्दा मेरो तर्फबाट हजुरलाई एउटा विनम्र निवेदन छ, घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र यो मास्क लगाएर बस्नुहोस्। धन्यवाद। गरेर हो त्यो सुरक्षित रह। നമസ്കാര ബന്ധുരാ, സുസ്ഥ താക്കൂൻ, സാവധാന താക്കൂൻ. സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായി വീട്ടിലിരിക്കുക. ഘർ പേ രഹോ, സുരക്ഷിത് രഹോ. ആൻഡ് നൗ എ ഛോട്ടാ സാ മെസ്സേജ് ഏക് ഹമാരെ ക്യൂട്ട് ലിറ്റിൽ ബോയ് കി തരഫ് സേ ഭീ, പ്ലീസ് ഇസ്കോ ഭീ ദേഖിയേ. ഹലോ ഗൈസ്, ഹം ഇസ് കൊറോണ വൈറസ് സേ ബച്നേ ഹൈ, ക്യൂൻകി ഹം മർ ജായേംഗേ, തബീ ഹം മാസ്ക് പഹൻ കി ഘർ മേ ബൈഠേ രഹ്നേ ഹൈ, ഔർ സുരക്ഷിത് घर में दवाई खाएं और पानी पिएं और घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए। धन्यवाद। सो गाइस, एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से भी, सो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं एंड खुशियाँ बांट सकते हैं, सो लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस। एंड यस, अब इन सब चीज़ के बाद अब वीडियो एंजॉय करते हैं। एंड गाइस, वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि ये मैसेज मेरे सारे फ्रेंड्स की तरफ से सब तक पहुँचे, सो प्लीज शेयर करना, सपोर्ट करना। होली है, होली है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:21 एंड आई एम रेडी टू लीव दिस ब्यूटिफुल सिटी जयपुर, सिटी ऑफ पैलेसेस, एंड गोइंग टू पुष्कर। सो आज R2R सीरीज का day 3 है एंड आई एम गोइंग टू पुष्कर। हाँ जी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आज पुष्कर जाने का रीज़न ये है कि पुष्कर में होती है होली, बहुत बढ़िया, आज है होली। आई नो ये व्लॉग थोड़ा लेट आएगा, बट जो भी है जैसा भी है, एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। सो गाइस, मैं रेडी हूँ यहाँ से निकलने के लिए, सो फटाफट नीचे चलते हैं, बाइक पे बैग लोड करते हैं और नीचे मिलते हैं आप लोगों को बाइक पे। आई एम रेडी, रेडी टू गो, तो चलो चलते हैं। जय शिव शंभो, जय भोले बाबा, हमारी यात्रा को सफल बनाना। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, वेरी हैप्पी 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 होली, प्ले सेफ एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ दिस R2R सीरीज। सो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आज आप होली भी बहुत बढ़िया तरीके से खेलोगे, इन्जॉय करोगे, एंड मैं भी कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे अच्छे ग्लिम्स, अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर कर सकूं
पुष्कर की होली के। सो यस प्लीज़ बने रहो, और अब हम पहले सिटी को क्रॉस करते हैं, देन हाईवे में मिलते हैं। सो आज का पहला टोल बूथ, सेकंड टोल, थर्ड टोल। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो यार, होली में इतना शांत माहौल होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा देखा नहीं कि होली में इतनी कम भीड़ भाड़ कुछ भी नहीं है, यहाँ तो शांत सब कुछ। सो पुष्कर की इन पहाड़ियों में आपका स्वागत है। 16 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। सो देखिए क्या मस्त हवा चल रही है, सामने इतना सुंदर नज़ारा, वाह। मतलब पहाड़ मतलब दिखते नहीं है, मेरा मन मतलब मचल जाता है, मज़ा आ जाता है मेरे को तो। पहाड़ी बंदा हूँ यार, पहाड़ से प्यार नहीं होगा किससे प्यार होगा। कैसे गाड़ी चला रहे रे बाबा, चल ही नहीं रहा रे इनसे। सो गाइस, मैं पुष्कर भी पहुंच गया हूँ, एंड यहाँ पे जैसे एक ही दिन का स्टे है, सिर्फ होली के लिए मैं आया हुआ हूँ। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने कोई सस्ता सा ठीक ठाक सा अच्छा सा रूम देख लिया है यहाँ पे, और मिल गया मेरे को लकीली, वरना सब 1000+ जा रहे थे। एंड पहली बात तो यहाँ पे सब फुल है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग मैंने चेक करी थी तो मेरे को मिला नहीं था। सो चलो अब जल्दी से रूम पर पहुँच गया हूँ, फटाफट से चेंज करते हैं एंड पुष्कर को एक्सप्लोर करने निकलते हैं, यहाँ पर होली देखने निकलते हैं। थैंक यू भैया, हैप्पी होली। तो गाइस कलर ले लिया है मैंने, अब हम जाएंगे होली खेलने के लिए। तो गाइस अभी आए हुए हैं हम फरा घाट। अच्छा यही सरोवर है, यही पुष्कर ब्रह्मा जी ने कमल का जो पुष्प गिरा था ना, वापस फसल होकर पुष्प गिरा। ओके, जैसे आप पुष्प गिरा जमीन से 7 पता छिन्न होके जल प्रकट हुआ। ओके, इसका नाम पड़ा पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर नाम कैसे पड़ा, कारण नाम होता है ब्रह्मा जी के हाथ का, और पुष्प इसका भगवान ने दोनों को संधि करा, इसका नाम पड़ा पुष्कर। पुष्कर में यात्री यहाँ पे आते हैं, मनोकामना मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान ब्रह्मा के मंदिर का दर्शन करते हैं। यहाँ पे फूल प्रसाद जल पे चढ़ता है, भगवान ब्रह्मा के मंदिर प्रसाद नहीं चढ़ता, गृहस्थी के हाथ से। जो अकेला आता है साधु संत, वो प्रसाद मंदिर का चढ़ाता है। जो गृहस्थी आता है, जो परिवार आता है, वो जल का मान सम्मान करता है, जल का प्रसाद चढ़ाता है, मंदिर का दर्शन करता है। पुष्कर तीर्थ में पूरी दुनिया यहाँ पे 3 कार्य से पुष्कर तीर्थ में यहाँ पे आता है। पहला कार्य अपने घर में चले जाते हैं पूर्वज, वो शांत हो जाते हैं, उनके नाम से पुष्कर तीर्थ में यहाँ पे 7 उनके पितरों पिंडदान तर्पण श्राद्ध यहाँ पे होता है। दूसरा कार्य को राजगुस्से को घूमने फिरने आता है, यात्री से मनोकामना मांगता है, फूल प्रसाद चढ़ाता है, मंदिर का दर्शन करता है। तीसरा कार्य अस्थि होती बॉन्स, यहाँ लोग अस्थि का विसर्जन करते हैं, अस्थि का, जैसे गंगा जी है ना, वैसे, क्योंकि ये हिंदुओं सबसे बड़ा तीर्थ बना हुआ। ओके, सत्यगम केवलम पुष्करम, सत्यु का जो धाम बोलते हैं ना, ये पुष्कर तीर्थ को बोलते हैं। द्वापरम च कुरुक्षेत्र, द्वापर युग में आया कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा में, जो हरियाणा कुरुक्षेत्र बना हुआ द्वापर युग के अंदर आया। त्रेतायुगम नेमि सारण्यम, त्रेतायुग में आया नेमि सारण्य, जिसको बोलते हैं आप गया जी, ये सत्यु का आदि अनादि तीर्थ है, इसका अंत नहीं। होली खेलने के लिए आए भैया, कहाँ से हो आप लोग? जयपुर। जयपुर से ही हो, चलो सही है। हैप्पी होली भैया। हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली, हैप्पी होली भैया, हैप्पी होली। चलो भाई तो पैसे दे, हैप्पी होली। नाइस, दिस इज द बिगेस्ट क्राउड दैट्स बीन ऑन राइट देयर, फाइनली। छोटा सा कलर, हैप्पी होली। सो ये लेन तो पूरी ख़त्म कर ली हमने घूम घूम के, बट मेरे को लगा था बहुत ज़्यादा शांत होगा, बट ठीक है, थोड़ा बहुत है, और टाइम की तरह नहीं हो सकता बिकॉज कोविड सिचुएशन, बट चल रहा है।
सो है पुष्कर के एक कोने में तो बहुत सारे लोग मिले मेरे को, जहाँ पे मस्त होली खेली जा रही है। मस्त तो नहीं कहूँगा, कोविड की वजह से बहुत कम लोग खेल रहे हैं, बट दूसरी तरफ देख सकते हो आप कोई भी नहीं है यार। बहुत शांत शांत सा है, बट ठीक है मार्केट के। लेकिन दूसरी तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो होली खेल रहे हैं। सो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो नहीं है, बट जितना भी मिला इट्स गुड। तो भाई जितनी होली होनी थी होली होगी। सो बस अब थक भी गया, अब थक गए, सो अब चलते हैं बैक टू होटल रूम। सो वैसे तो मैं होली खेल के आ गया हूँ, हालत देख सकते हो आप मेरी, पूरा कलर भरा हुआ है। बट अभी होम से मैं आऊँ तो उन भैया ने भी बोला यहाँ पे सॉन्ग्स वॉन्ग्स लगाएंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ी डांस मस्ती करेंगे, मज़ा आएगा। Come over, I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. Ooh, I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting, it's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this, I probably should erase it. I probably shouldn't say this. Hello guys, तो शायद होली की थकान इसी को कहते हैं, बिकॉज मैं जब खेल के होली खेल के जब अंदर आया नहाया और बेड पे लेटा और मेरी आँख लग गई, और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो जो मैं नहीं कर पाया, वो था बाइक का पंक्चर हो गया था तो उसको दिखाना है अभी, तो उसी के लिए मैं एक बार जरा मार्केट जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या हुआ है, क्या सीन है, क्या नहीं है। सो गाइस ये पंक्चर इस वजह से हुआ था, ये चुभा था मेरे बाइक के टायर में। आप कभी भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी पंक्चर हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ दिन के टाइम पे पंक्चर हुआ तो अभी लगा सकता हूँ मैं, बट बहुत लंबी जर्नी है अभी तो। सो गाइस आज का दिन जो था वो बहुत स्पेशल था, होली खेलने के लिए पुष्कर आया था एंड उतना है जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं था, बट जैसा था अच्छा था क्योंकि बहुत नए नए लोगों से मिला, इंटरेक्ट किया एंड नॉर्मल सा गेस्ट हाउस मिल गया मेरे को लकीली, अदरवाइज यहाँ पे फुल था। इवन दो कोविड सिचुएशन है तब भी होटल्स यहाँ के फुल थे, बट मेरे को अच्छा खासा मिल गया छोटा सा रूम एक दिन के स्टे के लिए, बहुत अच्छा था। और यहाँ जो थे ओनर थे वो बहुत फ्रेंडली हैं और मज़ा आया। और अच्छा दिन एंड आज पूरे दिन भर में मैंने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो था 162 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर टू पुष्कर,
सो इट वॉज अ वंडरफुल डे एंड आई होप आपको आज होली वाला पूरा दिन अच्छा लगा होगा जो भी शॉर्ट्स मैंने लिए. एंड पुष्कर बेसिकली जिस पर्पज़ से आया था, होली के पर्पज़ से आया था. एंड कल जाके एक बार जो ब्रह्मा टेम्पल है सुबह सुबह वहाँ पर जाएंगे एंड पुष्कर लेक भी विजिट करके आएंगे. वैसे आज मैं गया था वहीं पर ही है, बगल में ही है जहाँ पर होली खेल रहे, बट कल एक बार और जाएंगे सुबह सुबह. एंड कल की जर्नी जो है वो अपनी जोधपुर के लिए स्टार्ट करूँगा मैं. यस, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना. एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना. एंड आई होप आप लोगों को ये R2R सीरीज़ बहुत बढ़िया लग रही होगी. एंड सो इसी के साथ यार, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर एंड बाय बाय. डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली. रंगों में है प्यार की बोली.